गाइस सीन कुछ यूं है, आज है बहुत ही प्यारा सा दिन, बहुत ही प्यारी सी शुरुआत होने वाली है आज की, क्योंकि आज है जी ईद उल अधा और आज बड़ा मज़ा आने वाला है। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और सरप्राइजिंग चीज़ें होने वाली हैं। हम सबसे ईद पे मिलने वाले हैं और ये व्लॉग आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाला है और ईद के सारे व्लॉग आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, लास्ट तक व्लॉग पूरा देखिएगा, लास्ट में देखिएगा। तो गाइस शुरू करते हैं और देते हैं आप लोगों को ईद अपडेट्स। अच्छा वालेकुम, ईद मुबारक एवरीवन। तो कैसे आप लोगों को फिल, आप लोग सब ठीक ठाक होंगे? दिस इज मी का नाची की लकी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस मेरा प्लान था कि भाई हम थकार के बैठे, तो पता चला कि हमारे घर पे मेहमान आ गए, और जब मेहमान आए तो हमारा जो पुलाव था ना वो बढ़ गया। तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है। तो अब जो है ना खाने का सिस्टम हो रहा है, मैंने जो है ना पापे शापे खा के पेट शेट भर लिया अपना। अब खाने का सिस्टम हो रहा है, खाने में बन रही है कढ़ाई, क्या बन रही है? और बनाएंगे अब्बा जान हमारे, देखें क्या कर रही है। देखें गोश्त का सफाया, फिर पापा जो है ना कढ़ाई बनाए, क्योंकि मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ अब खाऊँ अब खाऊँ अब खाऊँ, और जब मैं खाने बैठी तो मेहमान आ गया, और मेहमान आ गया तो मैंने पुलाव उनको दे दिया, और पुलाव जो है ना फिर बढ़िया सब खत्म, और अब हम खाएंगे कढ़ाई। तो कढ़ाई बनने का इंतजार करते हैं, फिर खाना खाने के बाद हम करेंगे ब्लॉग को एंड। ठीक है जी, गाइस मैं चेंज चेंज करके आ चुकी हूँ। चेंज चेंज मैं जो है ना इसलिए निकल के आई हूँ क्योंकि हमारी मम्मा आज खाना नहीं बना रही है, वो कह रही है कि आज बनाएगी कराची की लड्डी खाना और अपने व्लॉग में दिखाएगी कि मैंने क्या बनाया है। तो गाइस मैंने बनाया है टिक्का बोटी, और अभी हमने जो है ना उसे दम पे लगा दिया है फाइनली। तो मैं चेंज चेंज करके आ गई हूँ, भाई बहुत गर्मी थी और अगर मैं ईद का कपड़ा बनाती तो मैं तो बढ़ जाती। तो गाइस अभी जो है ना हमारी टिक्का बोटी का जो प्रोसेस है वो इन प्रोसेस चल रहा है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है, फिर हम खाएंगे, अपनी भूख को मिटाएंगे, फिर हम सो जाएंगे और व्लॉग को एंड कर जाएंगे। सो भाई आज जो है ना हमारे पर बड़ी टोपी आ गई है, क्योंकि आज जो है ना अम्मा की भी तबीयत ख़राब हो गई है। मम्मा के हो रहा है बीपी लो और उनके हो रहा है पाँव में दर्द, तो वो खड़ी नहीं हो पा रही हैं। तो गाइस हमें जितनी भूख लगी थी उतना ही लेट होते जा रहा खाना, मतलब जितनी जल्दी कर रहा उतनी ही लेट हो रहा। तो मम्मा ने कहा है कि आज का खाना बनाएंगे मैं और पापा। तो गाइस हम लोग जो है ना बना रहे हैं, कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं। मैंने बनाना है टिक्का बोटी, वैसे हम पहले कढ़ाई बना रहे थे लेकिन हमने सीन चेंज कर दिया और हम बना रहे हैं टिक्का बोटी। मैं मसाले वगैरह सब बना के रेडी हो चुकी हूँ, मतलब रेडी कर दिया मैंने सालन को, बट वो जो टिक्का बोटी होते हैं बट हमें नहीं लगता कि सही बनेंगे, बट इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश पूरी है। देखते हैं कि मैं और पापा क्या करते हैं। सारे मसाले वगैरह सब कुछ मैंने किया, सिर्फ पापा ने जो है ना गलाने का सामान डाला इसमें, बस इनफ। तो अभी जो है ना हम देखते हैं भाई क्या निकल के आता है, हमारा खाना पीना जो भी हमने करना है वो क्या निकल के आता है। तो गाइस स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, और देखते हैं क्या टेस्ट आता है हमारे खाने का। तो गाइस आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना है मेरे ब्लॉग में। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कलर आया है। ये देखो ये मैं बना रही हूँ, टिक्का बोटी का मसाला मैंने लगा तो दिया है, और अभी जो है ना हमने इसको जो है ना अभी बिल्कुल बिल्कुल स्लो आंच पे रख दिया ताकि इसका जो है ना पानी एब्जॉर्ब करे बोटियाँ, देन हमारे पास रिजल्ट आएगा टिक्का बोटी का। देखते हैं क्या निकल के आता है। और अब्बा जान आ चुके हैं, अब्बा जान आ चुके हैं। पापा कौन बना रहा है आज का खाना? मैं। ना मैं और आप दोनों बोथ आहो। सो गाइस फाइनली फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 2 घंटे की मेहनत के बाद फल निकल के आ चुका है। भाई मैंने बना लिया टिक्का बोटी सालन, और ये कोई नई रेसिपी होने वाली है मेरी इजाद की हुई, और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शक्ल क्या नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम डाल देते हैं इसमें ढक्कन। ओह माय गॉश, माशाल्लाह 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 से माशाल्लाह, देख सकते हो आपकी बहन कुकिंग करते हुए, आपकी बहन मास्टर हो गई है कुकिंग में। सो गाइस अभी जो है ना हम दस्तखान लगाने जा रहे हैं, और दस्तखान लगाने के बाद जो है ना मम्मा पापा का रिव्यूज़ लेंगे कि मैंने ये खाना कैसा बनाया, क्योंकि मम्मा की तबीयत ख़राब है आपको बताया जैसे कि मैंने। तो मम्मा को चला के पूछेंगे भाई क्या है आपकी बेटी में टेस्ट, मतलब आपकी बेटी के हाथों में टेस्ट है आपके जैसे या नहीं। तो सो गाइस स्टे ट्यून, अभी आ जाते हैं पापा रोटियाँ शोटियाँ लेके, तो हम खाना लगाते हैं, दस्तखान लगाते हैं और रिव्यूज़ लेते हैं घर वालों से। तो गाइस रिव्यूज़ के लिए रुक जाओ। गाइस यहाँ पर लग चुका है हमारा दस्तरखान, और अब जो है ना पापा को खिलाते हैं अपने हाथों से और लेते हैं उनका रिव्यू। चलो जी पापा रोटी निकालो, शाबाश आज आपकी बेटी ने बड़ा काम का काम किया है। यही वाली है हमारी। तो गर्मा गर्म रोटियाँ भी हमने भाई से मंगवाई, क्योंकि हिम्मत नहीं थी मेरी बनाने की, क्योंकि भाई 2 घंटे आसान बात नहीं होती किचन में खड़े होना, 2 घंटे खड़े होकर बनाया मैंने, भाई अब रोटियाँ मंगाओ, ऐसा वैसा नहीं हो रहा, ऐसा वैसा नहीं हो रहा, ऐसा वैसा नहीं हो रहा। चलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाइव रिव्यू गाइस, लाइव रिव्यू।
प्याज भी पाओ, प्याज भी, प्याज भी, प्याज भी, प्याज भी, प्याज भी मैंने काटी, प्याज भी काटी। हाँ जी, कैसी है भाई? पापा का लाइव रिव्यू रिएक्शन मजे की है। ऐसी बोल रहे हो पक्का? जबरदस्त मनाली। कैसी बनी है? अनाया ने तो खाया ही नहीं, सो के अभी उठी है वो। तो गाइस पापा का ले लिया हमने रिएक्शन, अब बारी है मम्मा की और मेरे रिएक्शन की। और पहले मैं चख लेती हूँ, फिर मम्मा को बुला के मम्मा को खिलाते हैं, ठीक है? एक ने वाला बना के रखना, मम्मा को खिलाएंगे हम। तो भाई यहाँ से हमने थोड़ी रोटी हमारे लिए, और हेल्प कर दो जरा यार, गुड। और ये आ गया, हमने लिया बोटी, वन बोटी बाइट, ठीक है? इट्स यम्मी जूसी जूसी सब, ठीक है? ये हमने बना लिया रोटी वाला। और कमाल कर दिया, आतंक मजा आ दी। मिफ्रा कराची की लड़की तो ना, आतंक मजा दी, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। कैसा है? खाली है ना अब तो? मजा आ गया। मम्मा की बारी रिएक्शन की, देन एंड करेंगे हम। मम्मा भी आ चुकी हैं, और मम्मा को जो है ना पापा अपने हाथ से खाना खिलाने वाले हैं, और मम्मा का लाइव रिएक्शन लेने वाले हैं। हाँ जी, तो खिलाइए, प्याज भी दीजिए, प्याज खिला दो। क्या हुआ मम्मा, पसंद नहीं आया क्या? आए 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 आए, सस्पेंस, आए आए आए, क्या दूसरे नहीं वाले बताएंगे। आहो आहो, मैं पास हो गया गाइस, मैं पास हो गया। तो गाइस अब हम खाते खाना शाना, पेट फुल करते हैं अपना, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। सुबह से रात हो गई है, रात के बज रहे हैं 12, रात के बजे थे 12। आहो, तो गाइस अब हम खाना खाने जा रहे हैं, खाना खाएंगे, पेट भरेंगे, पेट पूजा करके जो है ना हम सो जाएंगे। तो गाइस इसी ब्लॉग को यहाँ करते हैं एंड, ईद का फर्स्ट डे होता है यहीं पर ही कम्प्लीट। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दो लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। तो गाइस टाटा बाय बाय, ख्याल रखना बहुत सारा, लव यू ऑल। Oh, oh, oh.